नमस्कार। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में 1 जून से खुलेंगे मार्केट, बड़ी राहत मिलने जा रही है। लेकिन वहीं लखनऊ, वाराणसी सहित 20 जिलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण में आई गिरावट को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को कोरोना कर्फ्यू में बड़ी राहत देने जा रही है। लेकिन जिस जिलों में संक्रमण दर अभी भी 600 से अधिक है, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी इस तरह के 20 जिलों में कोई रियायत नहीं दी जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी सहित अन्य जिलों में रियायत नहीं दी जाएगी। योगी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में 1 जून से सुबह 7 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक सप्ताह के 5 दिन बाजार खुल सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी के इन 22 जिलों में कोई रियायत नहीं है। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी जा रही है। इसके अलावा अन्य जिलों में सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू हटाने की चर्चाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 के साथ कोरोना वायरस तथा ब्लैक फंगस की स्थिति पर समीक्षा के बाद आज स्थिति को स्पष्ट किया। लखनऊ सहित 20 अन्य शहरों में कोरोना संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के नए केस रोज आ रहे हैं। साथ ही ब्लैक, व्हाइट तथा येलो फंगस इफेक्शन भी बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए 20 जिलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। योगी सरकार ने 55 जिलों में कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में 1 जून 2021 से सुबह 7 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक 1 सप्ताह के 5 दिन बाजार खुल सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजर अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार ने कहा है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, और जो 50% कर्मी रहेंगे उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। निजी कंपनियों के कार्यालय में भी मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ ही खुल पाएंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक व शेयर अवश्य करें। आप इस खबर को विस्तृत रूप से हमारे वेबसाइट 24timestoday.com पर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।